हर परिस्थिति में सदा सुखी रह सकता है। इसलिए कर्म गति का ज्ञान हमें यहां परमात्मा देता है। और अब हमें इस ज्ञान में चलने के बाद कोई भी गलत काम नहीं करना है। अगर ज्ञान में चलने के बाद अच्छा कर्म करेंगे तो भी अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरा करेंगे तो उसका फल भी बुरा ही मिलेगा। इसलिए फिर हम भगवान को दोष देने की शुरू करते, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। भगवान का कोई दोष नहीं, कर्म गलत करने से भगवान भी उसका फल नहीं रोक सकता। इसलिए हमें क्यों ऐसे गलत कर्म करना है। लेकिन हम लोभ लालच में आकर के अज्ञान वश हो करके ऐसे कोई कर्म करते हैं और जब उसका फल मिलता है तो दोष किसको देते हैं, परमात्मा को दोष देते हैं या व्यक्ति को दोष देते हैं। इसीलिए कर्म गति को समझने की जरूरत है। और एक लाश की घटना सुना करके मैं पूरा करता हूं। एक सच्ची घटना है, आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया, वैसा मेहमान तब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थे। उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। उसको लगता है मैं कहां सो जाओ, बैग में करोड़ रुपए पड़े, कहीं बस स्टैंड सो जाओ, बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद आते मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूं। रिक्शा करके गया, खाना खाया, बातें की, सब कुछ की, लेकिन सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके पास 50 के 100 के 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, रात भर नींद नहीं आएगी। 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर आया, पत्थर लाया और पत्थर ला करके, क्योंकि बैग उसकी सिरा नहीं थी, सीधा उस मेहमान के सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया, पति की नींद खुली। पति कहता ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, मैं जेल की सजा होगी, कहाँ की किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को आप जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी थी उसके अंदर डाल करके वापिस आए, और उनके घर में खून लगा था वो मारने के कारण। रातों रात उन्होंने क्या किया, खून के दाग मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसीलिए एक भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीद की, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया उसको, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। लेकिन अचानक उसको क्या हो गया, टाइफाइड हो गया। जब टाइफाइड हो गया उनको लगता है इस बच्चे को कुछ ना हो जाए, तो उसको बड़े से हॉस्पिटल में उसका इलाज किया। बहुत खर्चा हुआ, उनके पीछे उन्होंने जो गहने बनाई थी वो गहने बेच दिया और बच्चे का इलाज किया। बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ, उसको क्या किया, बड़े से हॉस्पिटल में दिखाया। उसके पीछे उन्होंने गाड़ी ली थी उसको बेची, डॉक्टर की फी दी, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ, उसका टाइफाइड बढ़ता जा रहा था। आखिर उन्होंने क्या किया, उसको और बड़े हॉस्पिटल में दिखाया। उसके पीछे उन्होंने जो मकान दुकान चालू किया था उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चे को ठीक हो जाएगा, दोबारा सारा मकान दुकान सब लेंगे, कलेक्टर बनने वाला है। उन्होंने लास्ट में उस मकान को बेच दिया, सारा पैसा बच्चे की बीमारी में लगाया, झोपड़पट्टी में चले गए, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था, वो जिस व्यापारी को मारा था उसकी आत्मा तो मरती नहीं, वही आत्मा बच्चे के रूप में आई थी और सारा पैसा वसूल करके चली गई। ये है ऊपर वाले का डंडा, ये है कर्मों की कोई गति। तो ये मैंने क्यों सुनाया, आज हमारे जीवन में हमने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया और बच्चा को ऐसा पैदा हुआ, गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, पैसा लुटा रहे, वो बच्चा कौन है, ये पिछले जन्मों के हिसाब वाला। और जिन्होंने इस कर्मों की गुई गति को बातों को सुना समझा, ऐसे परिस्थिति में कभी भी हमें तनाव टेंशन नहीं आएगा, निगेटिव विचार नहीं चलेंगे
और ये ज्ञान बाबा यहां में सारा सुनाता है, बच्चे तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहे हैं ये सब पिछले जन्मों का हिसाब है, इसलिए अब हमें कभी भी नया हिसाब नहीं बनाना है। कर्मों की घुई गति को समझ करके चलो, मन आपका चुप रहेगा। नहीं तो कईयों को लगता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, फिर औरों को सुनाएंगे, इसको सुनाएंगे, सुनाने से और ही आपका टाइम वेस्ट हो गया, सुनाने से और ही आप सुनाने से कम होगा और ही टाइम वेस्ट हो गया, वायुमंडल खराब हो गया, तनाव टेंशन में आ गए। इसलिए सभी निर्दोष है, कोई किसी का दोष है तो मेरा ही कर्मों का है, अपने ऊपर लो और किसी का पर दोष नहीं लगाओ। इसलिए वर्तमान समय इस कर्म गति का ज्ञान होना जरूरी है। और अब हमें कोई गलत काम, क्योंकि हम ज्ञानी बने जब पांडव बड़े हो गए, कौरव बड़े हो गए, तो सबको लगता है अब राजा किसको बनाया जाए, तो सब कहते हैं इसमें से जो योग्य है उसको राजा बनाया जाए। तो अचानक एक दरबार बिठाया और दरबार में चार लोगों को पकड़ करके लाया, चारों को भी गले बांध देते। तो प्रश्न पूछा सबसे पहले दुर्योधन को, अगर तुम राजा बनोगे, राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने कोई ऐसी केस आएगी तुम उनको क्या सजा दोगे? इन चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया है। तो दुर्योधन जोश में उठता है, कहता है इन चारों को भी गले मार काट दो, मर्डर का बदला। अच्छा कहा कि ठीक है। तो यही प्रश्न फिर युधिष्ठिर को पूछा गया, अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी तुम क्या करोगे? उस समय युधिष्ठिर गंभीर हो गया, कहता मैं उनकी वर्ण पूछता हूं, जाति। शकुनी उठ करके कहता है जाति से क्या मतलब है, मैंने उसको लगता है मेरे भांजे ने जो बोला वो सही बोला है। तो फिर सब कहते हैं नहीं नहीं पूछा है तो बताओ। कहा कि इसमें एक है एक शूद्र, दूसरा है वैश्य, तीसरा है एक क्षत्रिय, चौथा है ब्राह्मण। कहा कि इसमें जो शूद्र है उसको 2 साल की सजा दो, ये भी मर्डर करने में शामिल था। इसमें जो वैश्य है उसको 4 साल की सजा दो, वो भी शामिल था। इसमें जो क्षत्रिय है उसको 6 साल की सजा दो, वो भी शामिल था। और इसमें जो ब्राह्मण है उसको 8 साल, 8 नहीं। कहा कि इसको क्या सजा देने, मैं नहीं कहूंगा, आचार्य द्रोण बाजू में बैठे वो बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ये शास्त्रों में जो भी घटनाएं हैं संगम युग की यादगार है। अगर हमने भी शूद्र बनकर के गलतियां की माफ हो सकती है, वैश्य बनकर के की थी माफ हो सकती है, क्षत्रिय बनकर के की माफ हो सकती है, लेकिन अगर ब्राह्मण बनकर के गलतियां की उसको कोई भी माफ? क्योंकि ज्ञानी है, फायदा भी इतना है, एक अच्छा कर्म करते हैं 1000 गुना उसका प्राप्ति है, लेकिन एक गलती करती है 1000 गुना। इसीलिए आज के इस भट्टी से पक्का करो, मुझे अब कर्मों पर ध्यान देना है, कोई भी गलत काम नहीं। तो कई कहते हैं हम जो पहले जब यहां आए थे ना हम बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि जब आए थे बोझ उतार दिया लेकिन दोबारा बोझ चढ़ाना शुरू किया। इसीलिए आज से हम कम से कम इस 2020 में अपने कर्मों पर ध्यान देना और कभी भी गलत काम नहीं करना। इसीलिए जितना कर्मों पर ध्यान देंगे सब कुछ ठीक चलेगा, यह है कर्मों की घुई गति। इसलिए कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है, अगर दोषी है तो हमारे ही। कईयों को लगता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं इतना सत्य हूं अच्छा हूं तो भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? भले आप सच्चे हैं इस जन्म में, लेकिन पिछले जन्म में कहते का लास्ट में और एक घटना में, मेरे पास तो बहुत सारे कर्मों का इतनी सारी बातें हैं। हाँ तो लास्ट में सुना करके पूरा करता हूं, क्योंकि वर्तमान समय आज हमें दुख है, ये क्यों मैंने सुनाया, आज के दुखों का कारण यही है, क्योंकि इसका ज्ञान हमें नहीं है, इसीलिए मैंने इसके गहराई में आपको बताया। नहीं तो कई कहते हम ज्ञानी हैं, लोग भी कहेंगे अरे इनको परमात्मा पढ़ाता है तो भी ये दुखी क्यों है। हाँ भले परमात्मा पढ़ाता ही जन्म में पढ़ाता है, लेकिन पिछले जन्मों का कोई ना कोई कहते हैं। एक दो व्यक्ति व्यक्ति कहीं जा रहे थे, एक ईमानदार था दूसरा बेईमानी का काम करता था।
तो दोनों कहीं जा रहे थे, ईमानदार को एक क्या बेईमान वालों को एक पैसे का पॉकेट मिल गया। पैसा किसको मिलना चाहिए था? ईमानदार को, लेकिन मिला किसको? बेईमान को। और जैसे आगे गए, ईमानदार कहता है किसी का गिर गया होगा आप दे दो, वो कहता है मैंने सोचा तुमको याद आई सा दूँ, लेकिन तुम बहुत ईमानदार है, तुम्हें नहीं दूंगा मैं मेरे पास ही रखूंगा। आगे गए, ईमानदार के पाँव में दो कांटे चुभ गए। कांटे किसको चुभना चाहिए था? बेईमान, लेकिन चुभा किसको? ईमानदार के। तो ये दृश्य ऊपर से ब्रह्मा विष्णु शंकर देख रहे थे, उनको तो बड़ा बुरा लगा, उनको लगता है संसार में नीचे अन्याय हो रहे। तो जिसने दुनिया रची उनके पास गए, शिव जी के पास, ब्रह्मा विष्णु शंकर, कहते भगवान आपके संसार में नीचे अन्याय हो रहा है। तो भगवान ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने नीचे लोगों को समझा के भेजा है, चाहे कलयुग हो चाहे कुछ भी हो, तुम कर्म अच्छा करोगे तुम्हें फल भी अच्छा ही मिलेगा। नहीं नहीं, हमने आंखों से देखा है दो व्यक्ति का जन्म, कहा कि एक ईमानदार था तो भी उसको काटा चुभ गया, बेईमान वालों को पैसा मिल गया। भगवान ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, चलो मैं दिखाता हूँ। वो दोनों का पिछले जन्म दिखाया, जब पिछला जन्म दिखाया, जो व्यक्ति बेईमानी करता था पिछले जन्म में बहुत ईमानदार था, जब ईमानदार था उसको बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला था, ईमानदारी का प्राइज मिलने वाला था, लेकिन जब वो ईमानदार था लोगों ने उसको तंग किया, परेशान किया, उसको लगता मैं इतना ईमानदार था तो भी मुझे तंग किया, मैं अगले जन्म में कभी भी ईमानदारी का काम नहीं करूंगा, और इसी विचार से क्या बना? बेईमान। जब बेईमान बना उसको जो प्राइज था इनाम था कम होते होते एक बटवा जितना बाकी था, इसीलिए उसको बटवा मिला। बटवा कोई इसके बेईमानी का फल नहीं था, पिछले जन्मों के ईमानदारी का फल था। और जो ईमानदार था जिसको काटे चुभे थे, वो पिछले जन्म जब उसका दिखाया वो बेईमानी का काम, इतनी बेईमानी उसको मौत की सजा थी, लेकिन उसको लगता है मैंने बहुत बेईमानी की, इस जन्म में अच्छा बनूंगा। और जब अच्छा करना शुरू करता है उसकी मौत की सजा कम होते 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 दो कांटे जितने रही, इसलिए उसको काटा चुभ गया। इसलिए आज हम कितने भी अच्छे भक्ति कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो भी प्रॉब्लम आता है, ये प्रॉब्लम पिछले जन्मों का हिसाब है, उसमें कभी हलचल में नहीं आना। नहीं तो कभी कभी हम हलचल में आ जाते हैं, विश्वास कम हो जाता है, क्योंकि कर्मों का ज्ञान नहीं है। इसलिए कर्म गति के ज्ञान के गहराई में रहो तो वर्तमान समय आप हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहेंगे, सदा अपना मन बुद्धि को स्थिर रख सकेंगे। इसके लिए मैंने कई एग्जाम्पल आपको देकर के स्पष्ट किया, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताया, बहुत सारी बातें बताई। तो इस भट्टी में आप जरूर पॉजिटिव बन के जाना, कभी भी निगेटिव नहीं सोचना, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी आए। तो यही इस भट्टी का लक्ष्य है, हमें समस्याओं का समाधान करना है, कारणों का। चलते चलते किसी ने गाली दी, क्या समझो? अच्छा, इसका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। हमें घर को नहीं छोड़ना है, पति को नहीं छोड़ना है, बच्चों को नहीं छोड़ना, उसी गली में रहो, लेकिन अपने सोच को बदल कर रहो। कहते हैं नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। ठीक है, ओम शांति। आज आज आपके नगर में, आपके घर में, आपके विद्यालय में सचमुच के भगवान पधारे। सचमुच के भगवान कैसे होते हैं देखो, कर्म गति के हिसाब किताब कैसे बनते हैं। इस कलिकाल के अंतिम जन्म में कर्म तो सबके बिगड़े ही हुए हैं, लेकिन कुछ अच्छे कर्म थे जिस कारण से परमपिता परमात्मा अपने पारलौकिक पिता बाबा ने विद्यालयों की, अपने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की है, ताकि इस विद्यालय में आकर के प्रत्येक प्राणी अपने कर्म गति को समझ सके।
तो आज ये बात समझ में आ रही ना, आप लोग सबने सुना होगा कि कोई भी अच्छा करता है फिर भी उसके साथ कोई गलत बात आ जाती है तो मनुष्य फिर भी उसको दोषी बद देखते हैं, इसका जरूर कमी है, कोई दोष है। लेकिन आज क्या सुना, पूर्व जन्मों का हिसाब किताब हमारे साथ साथ चलता है। ये 84 जन्मों की जो कहानी है, बाबा भगवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा बच्चों को सुनाते हैं, जिस कहानी को सुन करके प्रत्येक प्राणी यथाशक्ति अपने जीवन का परिवर्तन करते हैं, तो बड़े बड़े सौभाग्य की बात है। आप लोग माताएं बैठो थोड़ा, एक सेकंड बैठो। थोड़ा आप लोगों को आज बहुत अच्छा लगा होगा, मेरे को तो बहुत 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 अच्छा लगा। नाम ही भगवान है और हर जन्म के हम आपके हमारे कर्मों का इनके पास बड़ा लेखा जोखा है। आप लोग जरा संभल करके रहिएगा और आइए जरूर, और 3 दिन की इनकी भट्टी है भैया की, उस भट्टी में सम्मिलित होकर के अपने आप को शुद्ध पवित्र बना करके अपने कर्मों के खाते को साफ करने के लिए प्रयास करिए। तो हम समझते हैं जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं या भाई बैठे हैं, तो ये क्या भट्टी में सम्मिलित होंगे, हाथ उठाएंगे भट्टी में आने वाले लोग और भी आएंगे? अच्छा, बहुत बहुत खुशी की बात है। लेकिन भट्टी का कार्यक्रम जब होगा, भैया क्लास कराएंगे, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जो मजबूर हैं, जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, वो कुर्सी लें। और बाकी हैं तो कुर्सियां आपके लिए, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन आपको आनंद जो आएगा, जो अच्छा लगेगा, वो अगर नज़दीक बैठेंगे, पास में बैठेंगे, तो ज़्यादा लाभ होगा। बाकी तो कुर्सियाँ आप ही के लिए है, कोई मना नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा नज़दीक आएंगे ना तो दृष्टि भी मिलेगी, वृत्ति का भी प्रभाव पड़ता है, ज्ञान की बातों का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए बहुत अच्छा लगा, तो आपका भाग्य बहुत अच्छा है, भगवान ने, ऊपर वाले ने और नीचे वाले ने, दोनों भगवानों ने आकर के आपके ऊपर मेहरबानी की है, बाबा ने बच्चे को भेजा है, तो आप लोग इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। और इस लाभ से आपको लाभ होगा तो आपके परिवार को भी होगा, आपके मित्र दोस्तों को भी होगा, समाज को भी होगा, तो एक से अनेकता में भरी पड़ी, अनेकता भरी पड़ी, अनेकों का फायदा उसमें भरा पड़ा है, इसलिए इससे लाभ उठाएं जरूर। बाबा की बड़ी मेहरबानी है जो बाबा ने आपके लिए, सबके लिए अपने ऐसे रतन को यहाँ भेजा है। एक दफ़ा पहले जब आए थे भैया, तो नीचे ईंटों का ढेर था, हम लोग ईंटों के ढेर पर बैठे थे, इनको कुर्सी दे दी थी, तो बैठ के ईंटों के ढेर के ऊपर बैठ करके हम लोगों ने आपका क्लास किया था। तो आपका नाम जैसा है वैसे ही आपका काम है, वैसी आपकी वाणी है, वैसे आपके कर्म है, और आपसे बहुतों को लाभ होता है, स्कूलों में, कॉलेजों में, परिवार में, समाज में, और आप लोग और भी अपने मित्र दोस्त जो भी हों, भाई बंधु रिश्तेदार, सबको प्रेरित करके इस भट्टी में लाने का प्रयास करें, और सबको लाभ मिलना चाहिए, बहुत खुशी की बात है। ओम शांति। हम अपना सुनाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सुखी रहे संसार सा, दुखिया रहे न को
यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। सबसे पहले मैं इस मौके पर जिन्होंने बहुत जेलों में जा कर के कैदियों के बीच में बाबा का ज्ञान दे करके उनको जो ये सोचते थे कि हम किस कारण जेल में हैं, तो उनको अपने पिछले जन्मों के संस्कार बता करके, कर्मों का गुह बता करके, उनको जो तनाव में थे तो उसको डिप्रेशन से निकालने का काम किया। और हमारे विद्यालय में जो लंबी श्रृंखला है जिसमें आप जाते हैं और उन बच्चों को जो आप ज्ञान देते हैं, मेरे प्यारे भाइयों आत्मिक बहनों, मैं 3 बार मंत्री रहा, 4थी बार उत्तर प्रदेश सरकार में, 3 बार मंत्री रहा, 4थी बार मैं विधायक हूँ। और कोशिश जब ये कहा गया कि सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, राजनीति में रह करके मैं वैसे 3 बजे उठता हूँ और 3 बजे उठ करके जिसका संग उसका रंग, तो सबसे पहले मैं अपने परम पिता परमात्मा के सबसे पहले अपनी शुरुआत करता हूँ, नमस्ते करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि 24 घंटे में एक भी झूठ न बोलना पड़े। राजनीति में रह करके 24 घंटे में एक भी झूठ ना बोलना पड़े। और लगभग 3 घंटे मैं लगातार ज्ञान में रहता हूँ और सिर्फ दुआएं देने का काम करता हूँ, क्योंकि इस टाइम पूरे विश्व में निगेटिव वातावरण है, हर आदमी डिप्रेशन में है। दुनिया का सबसे ज़्यादा डिप्रेशन वाला देश, तनाव वाला देश भारतवर्ष है। जब यहाँ IPS अधिकारी सुसाइड करता है, कक्षा 8 का बच्चा सुसाइड करता है और थ्रो आउट टॉपर जो बच्चे होते हैं वो IIT में सिलेक्शन होता है और कानपुर में 2-4 बच्चे IIT के बच्चे वो सुसाइड करते हैं, तो भौतिक संपन्नता से और संसाधनों से अगर सुख और शांति मिलती तो शायद ये लोग सुसाइड न करते। ये चूंकि हमारे बीच में हमारे बुलाने पर हमारे पूर्व रिटायर्ड CO साहब सलोनिया जी आए, ये कर्म फल व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखते हैं। चूंकि जब तक ज्ञान का मर्म हम लोग नहीं जानेंगे तब तक उसको हमारे समझ में नहीं आएगा। मेरी बहनों और भाइयों, आजकल 2 ज्ञान मार्ग है और दूसरा भक्ति मार्ग है। अब आप लोग स्वयं विचार करो कि ज्ञान मार्ग, आप लोग कितने किस्मत वाले हो कि ज्ञान मार्ग प्रकाश है और भक्ति मार्ग अंधकार है। आप हमारे भाई भक्ति मार्ग में अभी शिवरात्रि का जो उत्सव हुआ, 8-8 दिन पैदल नंगे पैर वो 200-300 किलोमीटर कांवर रख करके और शिव जी के मंदिर पर जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं, तो एक तरफ भक्ति मार्ग है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा बाप होगा जो अपने बच्चे को कहेगा कि आप पैदल और नंगे पैर चल करके कष्ट उठा करके हमारे पास आओ, क्योंकि हम शरीर तो है नहीं, ये जो हमारी जो विकार हैं वो शरीर के 5 विकार हैं,
तो हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और आत्मा का बाप हमारा परमात्मा है। तो वो आत्मा अगर हमारी निकल गई शरीर से तो 24 घंटे में शरीर सड़ जाएगा। जो कुछ रिश्ते हैं, चाहे कितना प्रेम हो शरीर से, बिना देखे पिता पुत्र या पत्नी एक दूसरे को दो चार दिन हो जाते हैं तो बिना देखे नहीं रह सकते हैं। लेकिन अगर वही शरीर आत्मा निकल जाए तो 4 घंटे भी घर के अंदर रखना मुश्किल हो जाता है। पूरा खेल आत्मा का है और आत्मा का परिचय ना होने के कारण सिर्फ और सिर्फ ज्ञान मार्ग ये सिखाता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं और आत्मा का बाप परमात्मा। हमारी कर्म फल व्यवस्था, हम किस काम के लिए यहाँ निमित्त आए, हम कर क्या रहे हैं। हवस इतनी ज़्यादा है जितना दिखता है। मैंने देखा, मैं 3 बार मंत्री रहा, 4थी बार विधायक हूँ, लेकिन जब मैं आत्मा इस शरीर छोड़ेगी तो मेरे साथ ना तो मिनिस्ट्री जाएगी, ना विधायकी जाएगी, ना मेरा 1 पैसे का संपत्ति मेरे साथ जाएगी। हमारे साथ जाएगा वही जो हमारी कर्म फल व्यवस्था, जो हमारे संस्कार होंगे, जो हमने बोया है। आप हमारे सलोनिया जी जब भगवान भाई गुई की व्यवस्था बता रहे थे तो वो सर उल्टा हिला रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाइयों, ये कर्म फल व्यवस्था आप जो आपके समझ में आए उतना मानो, लेकिन संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता और असंतोष से बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता है। मैंने बड़े बड़े मिनिस्टरों को, अरबपति लोगों को देखा है, लेकिन बड़े ऐसा महल बना करके, करोड़ों रुपए का उनका बेडरूम है और चंदन का बेड है, इसके बाद पलटते हैं नींद नहीं आती है। ऐसी अशांति बिना शराब के या बिना दवाई के उनके जिंदगी में नींद नहीं आती है। और मैं तो सुबह से कोशिश करता हूँ, रात तक कर्म फल व्यवस्था में विश्वास रखता हूँ, काम करता हूँ, रात को चाहे 10 बजे जाएं, लेकिन अपने बाप के गोद में जा करके थोड़ी देर उसको याद करता हूँ और पूरे दिन की अपनी कर्म फल व्यवस्था देखता हूँ कि हमने आज क्या कमाया है और क्या गंवाया है। तो इसके बाद अपने बाबा को शब दे करके और आराम से सेकेंडों में पता ही नहीं चलता है कब हम सो गए। मेरे प्यारे भाइयों, मैं देखता हूँ कि हमारे भाई हमारी बहनें हमारी, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, आप सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी बहन 90 साल की जिनकी दादी ये जिनकी उम्र है, जिनकी इतनी बड़ी तपस्या। और आप लोग स्वयं विचार करो कि जिनका जीवन में पवित्रता, हमारा कहा गया है कि 100 ब्राह्मण से बड़ा एक हमारी बीके बहन होती है और 100 बहनों को बीके बहनों से बड़ा एक हमारा बीके भाई होता है और 1000 ऋषि मुनि जो जंगलों में रह करके तपस्या करते हैं, उनसे बड़ा एक लौकिक जीवन में जो पति पत्नी हैं और वो पवित्रता के साथ रहते हैं, तो 1000 ऋषि मुनि से बड़ा एक दाम्पत्य जीवन जो प्योरिटी से रहता है वो महान है। तो पवित्रता से बड़ा कोई और चीज नहीं हो सकती है। और मेरे प्यारे भाइयों, जो अभी भगवान भाई जी ने बताया
हमारे जो बीके भाई और बहनें हैं, आप लोग स्वयं चिंतन, आत्म चिंतन करो कि हम कहाँ पर खड़े हैं और हम क्या कर रहे हैं। हमारा आचरण देख करके परमात्मा ने कितने हम भाग्यशाली हैं जो हमको सिलेक्ट किया, और इसके बाद हमारी कर्मफल व्यवस्था क्या है। एक विद्यालय में एक टीचर पढ़ाने वाला, एक जैसा वातावरण, एक बच्चा यूपी टॉप करता है, इंडिया टॉप करता है, और दूसरा बच्चा फेल हो जाता है, तो फेल होने वाले हमारी बहनें बी के भाई और बहनें मत बनो, पास होने वाले बनो, ताकि आपका आचरण देख करके, चूंकि ये डायरेक्ट परमपिता परमात्मा का विश्वविद्यालय है, इसमें हमारा आचरण देख करके हम चाहे 40 साल ज्ञान में रहें, चाहे पूरा जिंदगी ज्ञान में लिखा दें, लेकिन अगर हमारे आचरण फेल हैं, हमारा तनाव है, हमारे गुस्सा है, हमारा पवित्रता नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, हमारी बहनें नहीं करती हैं, हमारे भाई अगर नहीं करते हैं, तो सबसे ज़्यादा सजा के पात्र हम होंगे। इसको कोई बचाने वाला नहीं होगा, क्योंकि हमको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, और जब कोई चीज़ ज्ञान प्राप्त हो जाता है और इसके बाद उसको पालन नहीं किया जाता है, तो उसका सबसे बड़ा सजा, अभी भाई ने कहा कि जो ज्ञानी होता है उसको 8 साल की सजा, और जो अज्ञानी है उसको 2 साल की सजा। ये शूद्र कोई जन्म से नहीं, ये कर्म से शूद्र है। तो हमारे आपकी कर्म फल व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। मैं तो चूंकि 3 बजे से लगातार ज्ञान में रहता हूँ, और प्रतिदिन 2-4 महापुरुषों के, चाहे शिवानी बहन हो, उषा बहन हो, और मुरली तो 2-2 बार 3-3 बार सुनता हूँ, क्योंकि मुरली ही हमारे जीवन का श्वास है। जिंदगी जीने की अगर कला सिखाती है तो मुरली ही हमारी जीवन का आधार है, और जो भाई मुरली का सुबह से श्रवण करते हैं, अमृत बेला में उठ करके 1 घंटा अगर आप योग कर लें, और बाद में मुरली का अध्ययन करें, मैं लगभग 8-9 महीने से टीवी नहीं खोली है, टीवी मैंने रिचार्ज नहीं करवाई है, अखबार मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ, कभी कभी 10-5 मिनट अखबार में, चूँकि राजनीति में है तो इसके बाद निगेटिव उसमें मिलता है, तो सिर्फ टॉपिक कुछ देख लेते हैं। हमारे भाई, मेरा हमारा स्टाफ रहता है, 2 गनर हैं, मैं इतना ज़्यादा हैंग कर जाता, अगर मैं व्हाट्सएप चलाऊं तो व्हाट्सएप बंद, सोशल मीडिया टोटल बंद, कुछ नहीं देखता हूं, क्योंकि उसमें सब निगेटिव ही चीज़ आती है, और निगेटिव हम इसमें भरेंगे तो हमको सुख और शांति नहीं मिलेगी। तो मैं सुबह से रात तक पॉजिटिव रहता हूँ, और वाइब्रेशन देने का काम, दुआएं देने का काम करता हूँ, जो मिलता है तो उसको परमात्मा से जुड़ करके, और कहता हूँ कि परमात्मा इसका कल्याण करो, इसके जीवन में सुख और शांति प्रदान करो, जो हम देंगे वही हमको रिटर्न में मिलेगा। तो इसलिए प्यारे भाइयों, पॉजिटिव बनो। मेरा तो प्रयास है कि राजनीति में रह करके बाबा का ऐसा बच्चा बनूं कि देश ही नहीं, दुनिया में लोग गर्व करें कि राजनीति में भी ऐसे लोग क्या होते हैं। इस संकल्प के साथ मैं अपनी दिनचर्या चलाता हूं, और दीदी ने एक संकल्प दिलाया था तो कानपुर में एक बड़ा सेंटर बन करके तैयार हुआ है, जिसमें 3D से लेकर के सब चीज़ें बाबा ने निमित्त बनाया, और उसमें बड़ा संकल्प है कि उत्तर भारत में एक ऐसा अद्भुत सेंटर बने
जिसमें लोग ब्लू बर्ड में देख लोग घूमने जाते हैं, जो एशिया का बड़ा टूर उसको कहा गया है, लेकिन उसके बाद वहाँ से वापस आते हैं तो फिर तनाव में चल देते हैं, घर को वापस आए तो फिर उसी पांचों विकारों में फंस जाते हैं। लेकिन वहाँ जो वो एंजल वर्ल्ड बना है, आपके संकल्प आपने दिलाया दीदी ने, और एंजल वर्ल्ड जो वहाँ पर बना हुआ है वो ऐसा होने, वो अभी कई बसें लोग लेकर के आए, और वो छोटे छोटे बच्चे जो हमारे न्यू ही खराब हो रही है, तो ऐसा ज्ञान वहाँ पर दिया जाएगा, ऐसा पॉजिटिव सोच उसमें डेवलप की जाएगी कि उनकी न्यू मजबूत हो जाए, ज़िंदगी में कभी निराश और हताश होकर के सुसाइड ना करें, अच्छा ज्ञान लेकर के जाएं, ऐसा वहाँ पर हम लोगों का संकल्प है। तो ये हमारी आत्मिक जो बहनें हैं, भाई हैं, मेरी एक ही प्रार्थना है कि जब बाबा के ज्ञान में आप चलते हैं, एक तरफ अंधेरा है भक्ति मार्ग में, कोटों में कोई और कोई में कोई आपको परमात्मा ने सिलेक्ट किया है, और बीके बहनों को तो कोटों में कोई और कोई में कोई और कोई में कोई, करोड़ों में लाखों में हमारे बीके बहनें और बीके भाई हैं, तो इनका तो आचरण इतना अच्छा होना चाहिए कि गुस्सा नाम की चीज, क्रोध नाम की चीज तो कभी जिंदगी में आने नहीं चाहिए। इनके आचरण से ये जो स्टूडेंट आते हैं, इनके जीवन में इनको देख करके हमारे चेहरे और चलन थे दोनों से ये प्रदर्शित होना चाहिए कि ये बीके सही में बाबा का ज्ञान के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो हमारी कर्म फल व्यवस्था अच्छी होगी, और नहीं तो हमने जिंदगी में घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन इसके बाद भी अगर हम बाबा के जो सात गुण हैं इनको अगर धारण नहीं किया तो हमारा जीवन फिर निरर्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने जीवन का जो भी कर रहे वो आपके सामने सच्चाई बताई, सब कुछ बुराई छोड़ने का प्रयास कर रहे। अभी हम सब दीपक जलाएंगे, क्या कर रहे थे, क्योंकि किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो इसलिए अभी हम सब मिलकर, आप सब वहीं बैठे रहेंगे, अभी हम सब मिलकर दीपक जलाएंगे, ठीक है। हाँ जी, दीदी खड़ी हो जाइए। कहते हैं ना, हर दीपक को जलते हुए दीपक से हर एक को सबक सीखना होता है। अंधियारे को मिटाने के लिए किसी को तो जलना होगा। आ जाइए विष्णु भाई, आ जाइए विष्णु भाई, कुछ दो एक भाई आ जाइए, अरुण भाई आ जाइए, अरुण भाई आइए, मानसिंह भाई, तो
कल सुबह 10 बजे से भट्टी की शुरुआत होगी, सभी यहाँ 9:30 बजे पहुँच जाए तो अच्छा है, 10 बजे से तो शुरू हो जाएगा, 10 बजे से, और शाम को 4 बजे से शुरू होगी, 1 बजे नहीं बोलते हैं, 10 बजे से, अच्छा हाँ चलेगी तो 1 बजे तक। हाँ हाँ जी, हाँ जी, अभी सब 2 मिनट योग करके निकलेंगे, और सुबह 10 बजे का ख्याल रखना, 10 बजे से भट्टी शुरू होगी और शाम मीटिंग 4 बजे से होगी। कोई दोनों मीटिंग ही करना चाहे तो दोनों मीटिंग भी कर सकते हैं। हाँ, मान लो किसी के पास टाइम नहीं, जिसको टाइम हो दोनों मीटिंग कर सकता है दोपहर में, कोशिश करके दोनों मीटिंग करिए। हाँ, मौका बार-बार नहीं मिलेगा। कितनी अच्छी क्लास अभी आप लोगों ने सुनी, ऐसी अच्छी अच्छी क्लास और भी मिलेंगी आपको, बहुत अच्छी भट्टी कराते हैं भाई साहब। ऐसे नहीं कि हमारे पास टाइम नहीं है, अब आपके घर में शादी ब्याह होता है तो टाइम निकालते हो ना, ये ज्ञान योग की भट्टी है, इतना दूर से भैया आए हैं पढ़ाने।